स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। डॉक्टर्स ने चेकअप किया और होम आइसोलेशन की सलाह दी, मगर चिंता मौत के आंकड़े बढ़ा रहे हैं। 18 और 19 अप्रैल को कोरोना से देश में 78 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सवाल सिर्फ मौत का नहीं बल्कि एक्टिव केस लोड का भी है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक देश में एक्टिव केसेस 65,000 के फिगर को पार कर गए हैं। मास्क का प्रयोग जरूर करें और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से हाथ ना मिलाएं, इधर उधर ना थूकें, छींकते खांसते समय अपना रुमाल या नाक पे रखें, उसे डिस्कार्ड करें और पानी खूब पी करें। डॉक्टर्स एहतियातन और सावधानी बरतने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वायरस तेजी से फैलता है और इसका एक एग्जाम्पल फरुखाबाद की जेल में मिला। यहाँ 30 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, जिसके बाद जेल में हड़कंप मच गया। हेल्थ टीम ने 100 कैदियों के एंटीजन किट से जांच किए, इसमें से 30 सैंपल पॉजिटिव आ गए। संक्रमित कैदियों के नमूने लैब भेज दिए गए। हालांकि जहां तक ओवरऑल केसेस का मामला है तो इसमें 5 स्टेट में 7,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। केरल में 3,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में बुधवार को 1700 से ज्यादा नए मरीज डिटेक्ट हुए। हरियाणा में नए केसेस का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया। इसी तरह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कोरोना को लेकर दूसरे राज्यों में भी केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है सावधानी बरतनी चाहिए, खुली जगहों में जाने से बचें और भीड़ में मास्क लगाकर ही निकलें।